नमस्कार। भारतीय मंदिरों की यात्रा पर आज हमारा सफर आ पहुंचा है पंजाब के जलंधर में। जलंधर में माँ का इकलौता शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी, जिसे देवी तालाब मंदिर भी कहते हैं, स्थित है। माँ देवी तालाब का ये मंदिर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और माँ के इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में से की जाती है। तो आइए अब अंदर चलकर माँ त्रिपुर मालिनी के दर्शन करें। श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए यहाँ पर दो मंदिर जो मुख्य हैं, एक तो जिसे हम देवी तालाब मंदिर कहते हैं और एक त्रिपुर मालिनी जो कि एक शक्तिपीठ है। जो शक्तिपीठ है, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको मुख्य प्रवेश द्वार पर ही शक्तिपीठ का द्वार मिल जाएगा, लेकिन जो देवी तालाब मंदिर जो कि सरोवर के बीच में स्थित है वो देवी तालाब मंदिर है और वहाँ पर माँ वैष्णो, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। तो सबसे पहले हम माँ त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। यहाँ पर माँ का बायां वक्ष तल गिरा था और उसके बाद हम देवी तालाब मंदिर में जाएंगे। सूरत पूर्णी त्रिपुर मालिनी भगवती का जो पावन दरबार है, ये आदि शक्ति पीठ के अंतर्गत आते हैं। जब भगवती का दक्ष महाराज के यज्ञ में अपने पार्थिव शरीर का अंत कर दिया था, उस समय भोलेनाथ ने जब उनको तांडव की डर से जैसे कंधे में लेके फिर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने माता रानी के अंगों को अलग किया था, जिससे 51 शक्ति पीठ बने हैं। ये 8वां शक्ति पीठ है जिससे विश्वमुखी के नाम से जानी जाती है। आपको सभी शक्तिपीठों में पिंडी के दर्शन होते हैं, एकमात्र यह ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ भगवती के पिंडी को गर्भ में स्थापित करके जो गर्भ के ऊपर आपको माता रानी का साक्षात प्रतिमा का दर्शन होता है। माँ के शक्तिपीठ को देवी तालाब मंदिर भी कहा जाता है और उसका मुख्य कारण है यहाँ पर स्थापित सरोवर, जो कि कई सौ वर्ष प्राचीन है। और इस प्राचीन सरोवर से ही माँ की जो प्रतिमा निकली थी और उसे ही मंदिर में स्थापित किया गया है। कोई भी विश्वमुखी का जो दरबार होगा वहाँ पिंडी दर्शन नहीं होगा। ये शास्त्रीय सम्मत है पौराणिक हिसाब से भी कि उस जो पिंडी को विश्वमुखी के पिंडी को गर्भ में रखा जाता है या कपड़े से ढका जाता है और ऊपर प्रतिमा, चाहे मतलब धातु की प्रतिमा हो या फिर पाषाण के कैसे भी प्रतिमा, ऊपर विराजित किया जाता है। जो यहाँ माता रानी की जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है वो इसी तालाब से प्राप्त हुई थी। इसी तालाब से प्राप्त हुई प्रतिमा को स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया, इसलिए स्थान का नाम देवी तालाब पड़ा। इस सरोवर की गणना देश के 108 पावन सरोवरों में से की जाती है और इस सरोवर की सफाई के लिए फिल्टर तक लगाए गए हैं। इसके बाद दर्शन करते हैं सरोवर में शोभायमान देवी तालाब मंदिर। देवी तालाब मंदिर सरोवर के मध्य में स्थित होने की वजह से बहुत ही सुंदर दिखता है। देवी तालाब में ये जो माँ भगवती का जो स्वर्ण मंदिर है, उसकी जो 1973 में माता रानी का प्रतिष्ठा किया गया था। देवी तालाब मंदिर के गर्भगृह में माँ वैष्णो जी, माँ लक्ष्मी और सरस्वती जी की प्रतिमाएं शोभायमान हैं। गर्भगृह के सामने ही माँ की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। चांदी के द्वार माता रानी के भिन्न रूपों से चित्रित हैं। सबसे पहले हमने माँ त्रिपुर मालिनी के दर्शन किए, उसके बाद देवी तालाब मंदिर के दर्शन किए और अब हम यहाँ के तीसरे मुख्य मंदिर माँ काली के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। ट्रस्ट महाकाली माता मंदिर, ये स्वर्ण मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। महाराजा रंजीत सिंह के जमाना में जो है जमाना से स्थापना हुआ है, तो आज से करीबन 400 वर्ष पुराना मंदिर है माँ काली का जी। मंदिर प्रांगण में ही हेमगिरी बाबा जी की तपस्थली है, जिन्होंने इस पावन स्थान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
वो एक सिद्ध महाबुद्धि बाबा हेमगिरी जो महाराज थे, इस धर्म के प्रति कुछ तो अनास्थावादी लोग जो परेशान करते थे, इसलिए वो एक सिद्ध संत महात्मा थे। उन्होंने जो माता रानी की सेवा की, निसिद्ध शक्ति से जो है स्थान को सुरक्षित करके उन्होंने रखा। ये कम से कम 1800 सदी की बात है। मंदिर परिसर में ही सालासर बालाजी का धाम भी स्थापित है और माता वैष्णो देवी जी की गुफा भी निर्मित की गई है, जो कि एक रोमांचकारी अनुभव है। जय माता दी, जय माता। वैष्णो माता की गुफा के साथ ही अमरनाथ की गुफा का द्वार भी इस साइड पर ही। अमरनाथ गुफा की जो बनावट है वो बिल्कुल असली अमरनाथ गुफा की तरह ही तैयार की गई है। यहाँ से पूरा ये बाबा बर्फानी का नाम अमरनाथ ही लग रहा है। इसमें अमर कुंड भी स्थापित किया गया है। गुफा के अंदर जो इन्होंने कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं बहुत ही शानदार है। यहाँ पर भगवान शिव की विवाह की जो सवारी है वो दिखाई जा रही है। ये वाली प्रतिमा सबसे खास लगी हमें, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार है। गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माँ पार्वती जी हैं और उनके साथ साथ सभी के सभी उनके वाहन हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं माँ पार्वती जी के शेर है, गणेश जी का मूषक वाहन, इस साइड पर नंदी बैल जी हैं भगवान शिव के वाहन, और ऊपर उसके मोर है जो कि कार्तिकेय के वाहन। बाबा हरिबल्लभ जी रहे हैं 18वीं सदी में, जो कि एक संत भी रहे हैं और शास्त्रीय संगीत के विद्वान भी। उन्होंने भारत में शास्त्रीय संगीत का पहला मेला लगाया था इस देवी तालाब मंदिर में, और तब से लेकर आज तक हर साल दिसंबर माह में संगीत मेले का आयोजन किया जाता है इस देवी तालाब मंदिर में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कवि और बाकी कलाकार भी आते हैं। देवी तालाब मंदिर के सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अभी हम प्रसादालय में जाएंगे। यहाँ पर प्रसादालय दो तरह के हैं, एक तो निःशुल्क प्रसादालय है जहाँ पर आपको सुबह, दोपहर और शाम को मिलता है भोजन, और एक यहाँ पर स्पेशल अन्नपूर्णा भोजनालय चलाया गया है जिसकी जो थाली का शुल्क है वो 50 रुपये है। सारा प्रसाद देसी घी में तैयार किया जाता है। इस पूरी थाली की जो कीमत है वो 50 रुपये है, लेकिन जब 50 रुपये की थाली एक बंदे के लिए है, इसको एक ही बंदा ले सकता है। और इसमें एक मटर पनीर की सब्जी दी जाती है, आलू दी जाते हैं, दही दिया जाता है, दाल दी जाती है, चपाती और चावल हैं। और इसमें दाल, चावल और चपाती अनलिमिटेड है, इसको आप बार बार भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 50 रुपये में इतना बढ़िया अनलिमिटेड बूफे कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में ही धर्मशाला भी है रहने की सुविधा के लिए। तो यहाँ पर कुल 2 धर्मशालाएं हैं। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है वो 900 रुपये है, और अगर आप नॉन एसी रूम लेना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है वो 600 रुपये है। तो ये थे पंजाब के एकमात्र शक्तिपीठ माँ त्रिपुरमालिनी और देवी तालाब मंदिर के दर्शन। जब भी आप यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ अमरनाथ गुफा के दर्शन हैं, यहाँ माँ वैष्णो देवी की गुफा है, यहाँ माँ काली का मंदिर है, यहाँ श्री राम जी का मंदिर है। तो आप एक एक करके सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी।